क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इनको ऐड नहीं करना है हमें, डायरेक्टली हमें जो है इनका क्या यानी आंसर कहना है, ठीक है, विदाउट एडिंग हमें सम इनका निकालना है। तो किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पार्ट में 1, 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पर देखें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसे दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको खाली क्या करना है, ऐड नहीं करना है आपको, वहाँ से ये कहा गया है। हम किस तरीके से दूसरे तरीके से करेंगे इसको, देखिए आपको यहाँ पर काउंट करना है कितने नंबर्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लिया आपने, इसको जो है स्क्वायर करना है, 5, 5, 4 क्या हो गया 25 हो गया हमारा जो है इसका सम, ठीक है, इसका सम जो है 25 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट को अगर देखेंगे हम, हमें काउंट करना है खाली, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो 10 आ गया, 10 का स्क्वायर वो आ गया 100, हो गया इसका सम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे थर्ड पार्ट को यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पर 12 आ गया, तो 12 का जो है जब हम स्क्वायर करते हैं वो क्या आता है 144, ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखेंगे, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑर्डर्स, ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर्स हमें लेने हैं, किसके 49 को जो है हमें सम दिखाना है 7 ऑड से, ठीक है, सम करके 49 ही वो आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए फर्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, यहाँ पर जो है 49 दिखाना है हमें सम करके, यानी मगर हमें 7 ऑड्स का इस्तेमाल करना है। देखिए पहले यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ये हो गए 5, उसके बाद आता है 11 और फिर आता है 13, तो यहाँ पर जो है 7 ऑड्स हो गए, जब हम इनका सम करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमें वो 49। इसी तरीके से जो है सेकंड पार्ट जो है इसको हमें जो है 1 to 1 को जो है कितने ये जो है 11 ऑड्स में जो है शो करना है। देखिए यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, यहाँ पर 15, फिर आएगा हमें 17, 19। देखिए काउंट करने के पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये करेंगे 21 वाला, ठीक है, और ये जो है हमें इसके बराबर, जब आप सम करोगे वो जो है इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या करना है आपको, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप हमें बताइए ये जो दो, अगर इन दो को हम स्क्वायर करेंगे, इन दो नंबर्स को स्क्वायर करेंगे, आप हमें बताइए इनके बीच में जो है कितने नंबर्स होंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर जो है मैं लिखूँगा 12 फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर 12 and 13 है, 12 and 13 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 12 का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा क्या है 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 144 और यहाँ पर 169, तो यहाँ पर देखिए इनके बिटवीन में कितने नंबर्स होंगे वो जो है हमें कहने हैं, ठीक है। इसको जो है सिंपल वे में आप जो है अलग अलग करके भी जो है शो दिखा यानी शो कर सकते हो, बट यहाँ पर जो है सिंपल वे में हम किस तरीके से करेंगे इसको, हम जो है जो नंबर्स वहाँ पर दिए गए हैं 12 और 13 को जो है हम प्लस करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे 1, तो यहाँ पर आया हमें 25 - 1 आ गया, ठीक है, उसके बाद जो है माइनस यहाँ पर जो है 1 करना है वो 24 आ गया, सो 24 नंबर जो हैं इनके बीच में होंगे, ठीक है, इन दो स्क्वायर्स के बीच में होंगे। इसी तरीके से जो है इसका सेकंड पार्ट जो है इसका, यहाँ पर 25 और 26, सिंपली आपको क्या करना है 25 और यहाँ पर 26 को जो है प्लस करना है और माइनस करना है 1, माइनस करना है 1, तो यहाँ पर इन दो को जब आप प्लस करोगे सो यहाँ पर आएगा 51, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आया हमें 50। उसके बाद जो है इसी तरीके से नेक्स्ट ये जो है 99 और 100, क्या करना है 99 + 100 और -1 करना है, तो यहाँ पर आया हमें 199 - 1, ये हो गया 198, तो इनके बीच में जो स्क्वायर्स के यानी जब हम इनका स्क्वायर करेंगे
स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो डिजिट्स होंगे यानी नंबर्स होंगे वो 198 होंगे जो इनके दरमियान होंगे। ठीक है, इसी के साथ ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।